हेलो दोस्त, कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि करी को फिट में कैसे चेंज करना है, करी को फिट में कैसे चेंज करना है। और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि फिट को करी में कैसे चेंज करना है। कल बताया था कि करी को फिट में कैसे चेंज करना है, आज बताएंगे फिट को करी में कैसे चेंज करना है। जो व्यक्ति इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी फिट को हम करी में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए आज हम आपको देखिए, कल एक हम सूत्र बनाए थे, वो सूत्र आपको कल बोले या इससे पीछे वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा जो लिंक में है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा देखिएगा तो टोटलिंग समझ में आएगा, नहीं तो आने था आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बोलेगा वीडियो देखें और हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, करी बराबर होता है, देखिए करी बराबर जो है फीट होता है बट्टा इसको 0.66, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम कुछ विस्तार से देखें, सूत्र ऐसे शॉर्ट में कैसे आया वो आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें देखिए ये फीट ऐसी रहेगा, तो फीट बट्टा क्या होता है, फीट भागा बोलिए बट्टा बोलिए, ठीक है। तो फीट भागा ये फीट बट्टा 7.92/12 इतना होता है। जब इतना को सोल्व करते हैं तो ये इतना ये आता है, क्या आता है ये आता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये इसके सूत्र पे, कड़ी के सूत्र पे आप कोई भी किसी को फीट को कड़ी में चेंज कर सकते हैं, किसी भी फीट को। जैसे मान के चलिए 66 फीट, क्या 66 फीट को हमें चेंज करना है, तो सॉरी इसको करते हैं क्या, काट देते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि 66 फीट को करी में बदले, ठीक है। 66 फीट को करी में बदले, तो 66 फीट को जब आप करी में बदलेंगे तो होगा क्या, ये करी का सूत्र लगाएंगे, क्या करी का। तो करी का सूत्र क्या होता है, करी बराबर फीट बट्टा 0.66। जब इसको करेंगे देखिए, तो इसको क्या करेंगे आगे करेंगे, तो फीट के जगह पे फीट का मान लेंगे तो 66 है, तो 66 लिखेंगे। और नीचे में जो है यहाँ पे क्या है 0.66 है, ठीक है। जब यहाँ से ये जीरो दशमलव उड़ाएंगे तो 00 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 00, 66 से 66 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बच गया, तो 100, ठीक है। देखिए ये एक ही सेकेंड का काम है, कितना, एक सेकेंड का। आप डायरेक्ट क्या आपको बोलेगा कि 66 फीट को कड़ी में चेंज कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कड़ी बराबर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फीट है 66, इसको करना है 0.66 करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये क्या होगा, ये दशमलव उड़ जाएगा, तो ये से ये कट गया तो बच गया 100 करी, क्या हो जाएगा 100 करी हो जाएगा। तो करी आप समझ गए, तो 100 करी कैसे आंसर निकला आप समझ गए होंगे। देखिए इस वीडियो में देखिएगा तो एक ही सेकेंड का काम है, बस एक सेकेंड का काम है, कितना सेकेंड का, एक सेकेंड का। बस इस वीडियो को आप थोड़ा बारीकी से समझ, इतना जो बताए हैं ये आपको समझने के लिए बताए हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ सकते हैं इस सूत्र के सहायता से, तो आप डायरेक्ट यहाँ समझिए कि करी बराबर, करी का सूत्र ही होता है फीट बट्टा 0.66, तो फीट कितना था 66 डाल दिए, अब इसके बाद क्या है 0.66 डाल दिए 0.66, उसके बाद क्या, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो 1/00, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 1/0 आ जाता है, तो 66 से 66 गया तो बच गया 100, तो 100 करी आ गया। तो ये सिंपल सा एक सेकेंड का काम है। चलिए देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है ना थोड़ा कमेंट कीजिए अच्छा लगा कि नहीं, नहीं तो अपना नाम ही लिख दीजिए, कुछ ना कुछ आप लिखिए, ठीक है। और लाइक कीजिए या अनलाइक, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कीजिए,
ऑनलाइन कीजिएगा तो उससे भी हमको पता चलेगा। तो आप अपना सलाह सुझाव कुछ भी हमको दे सकते हैं, और चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर शेयर लगता है कि किन्हीं को इस चीज़ का ज़रूरत है तो उसको शेयर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।